न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव एवं जिले के नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रशांत त्रिवेदी की अध्यक्षता में संपन्न विकास कार्यों की समीक्षा बैठक। आयुष्मान भारत योजना को प्राथमिकता के आधार पर संचालित करने सहित अन्य योजनाओं को पूरा करने के दिए निर्देश। हाईवे पर खड़ी ट्रक में से डीजल और बैटरी लूटने वाले गिरोह के 3 अभियुक्त चढ़े पुलिस के हत्थे, एसपी साउथ ने किया खुलासा। रोडवेज की अनुबंधित बस ने साइकिल सवारों को रौंदा, एक की मौत, एक गंभीर हाल में अस्पताल में भर्ती। जंगह थाना क्षेत्र के देवरिया गोरखपुर हाईवे स्थित मोतीराम चौराहे के पास हुआ हादसा, पीछे से आ रही दूसरी अनुबंधित बस को उग्र लोगों ने फूंका। रजिस्ट्रेशन निरस्त होने के बाद भी रामगढ़ ताल में मत्स्य आखेट करने का आरोप लगाते हुए स्थानीय नागरिकों ने किया प्रदर्शन। मौके पर पहुंचे एडीएम प्रशासन ने कहा नहीं होगी नाइंसाफी। कुंभ मेले में यात्रियों की सुविधाओं के लिए तैयार है पूर्वोत्तर रेलवे। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने कहा कि सभी 6 स्टेशनों के लिए 112 जोड़ी गाड़ी चलाएगा पूर्वोत्तर रेलवे। मिल चुके हैं 360 विशेष कोच, सीसीटीवी कैमरे में कैद रहेगी सभी गतिविधियां। जीडीए अध्यक्ष व कमिश्नर अमित गुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न हुई जीडीए बोर्ड की 111वीं बैठक। रामगढ़ ताल के चारों तरफ वृक्षारोपण किए जाने सहित अन्य योजनाओं की गई समीक्षा। बेलीपार थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े एसबीआई की फ्रेंचाइजी चलाने वाले व्यक्ति से असलहे के बल पर 1,37,000 की हुई लूट। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे आला अधिकारी सहित एसएसपी। व्यापार करने के लिए पटरी व्यवसायियों को नगर निगम उपलब्ध कराएगी जमीन। महापौर ने कहा 1 सप्ताह में होगी प्रक्रिया पूरी। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के सभी जिलों के बाजार संयोजकों का होगा सम्मेलन। सम्मेलन में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और राज्य मंत्री अतुल गर्ग होंगे शामिल। बढ़ती ठंड में रेल यात्रियों के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा नहीं है अलाव की व्यवस्था। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने कहा ट्रेन छूटने से 10 मिनट पहले पहुंचे स्टेशन पर रेल यात्री। चौथे दिन भी जारी रहा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का प्रदेश व्यापी कर्मी कंशन। स्वच्छता के लिए एक दिन में 53 स्थानों पर किया गया नुक्कड़ नाटक, लोगों को किया स्वच्छता के प्रति जागरूक। और जीसीए के जिला क्रिकेट लीग में महाराजगंज क्रिकेट एकेडमी ने सरदारनगर क्रिकेट एकेडमी को 114 रनों से रौंदा।